यूपी के बुलंदशहर में देर रात अरनिया थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव में एक दर्दनाक दुर्घटना हो गई, जहां बाइक पर सवार होकर चंडौस से अपने घर गांव मीरपुर लौट रहे सगे चाचा भतीजे की बाइक रात के अंधेरे में रास्ता न दिखाई देने के कारण गांव के बाहर रजबाजे में गिर गई। अंकुश वर्मा रजबाहे की पटरी पर गिरा, जिससे उसके सिर में मामूली चोट लगी और उसके चाचा राजेश वर्मा पानी में जा गिरे, जिसके बाद अंकुश ने परिजनों को फोन करके घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने लापता युवक राजेश को काफी तलाश किया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर राजेश वर्मा का शव रजवाहे से बरामद किया है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की मौत से मृतक राजेश के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कहां से आए आप? क्या गोताखोर आप? तो सर आपने जो इसमें कूदे थे, इसमें क्या कोई कामयाबी हाथ लगी आपके? अभी रोंड लगाया, अभी लगाएंगे 10-20, जो भी जहां तक ना लगेगी वहां तक ढूंढेंगे। वैसे कामयाबी मिल जाएगी सर? जी हाँ, मेरा अंकुश वर्मा है। गांव कौन सा है? जी मेरा मीरपुर गांव है। अच्छा, क्या बात हुई थी आपके चाचा को लेकर सड़क घटना में? जी हम चंडौस से आ रहे थे, तो कटरा मोड़ पे हम रुके थे, तो कटरा मोड़ से हम जैसे ही आगे निकले तो मतलब कि हमें अंधेरे में ये नहीं देखा कि पुल है क्या है, तो गाड़ी की इस तरफ मैं गिर गया, पक्की की साइड वो पानी में गिरे मेरे चाचा की। तो मैंने फुर्ती से उठ के तुरंत ही मैंने अपने घर पर फ़ोन किया, घर से घर वाले भी आए, हमने रात भर देखा मुझे चाचा नहीं मिले। सुबह गोताखोर आए थे तो उन्होंने निकाला है, पुलिस फोर्स भी आई थी, सब ने तहकीकात करी है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।